भजन संहिता अध्याय 71। भजन संहिता अध्याय 71। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने न पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूं। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया। मुझे मां की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणवादन और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में है वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी है उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरे हानि के अभिलाषी है वे नामधराई और अनादर में गढ़ जाए। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूं। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए, तब भी तू मुझे न छोड़। तब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाता रहूंगा। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, और तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से भी उभार लेगा। तू मेरी बड़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इसराइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा, और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और उनके मुंह काले हो गए हैं।